हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज हम लोग बनाने वाले ट्यूटोरियल हाउ टू ड्रॉ अ नोज। मैंने वही पेपर ले लिया है जिस पेपर में मैं वो शेडिंग का वीडियो बनाया था, जो कि कल बनाया था, और आज बनाने वाले नोज की तरह। और फर्स्ट आपको करना है कि ऐसा है, थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा नहीं, ऐसा एक लाइन ड्रॉ करना है जो कि आपको दिख नहीं रहा होगा। मैं एक बार बस डार्क कर देता हूँ उस लाइन को। उसमें इस फिर मैं ये जो बना है इसके ऊपर दो ऐसे ऐसे दो ऐसे दो सर्कल्स बनाना है। और अंदर पे मतलब सॉरी मेरा कैमरा हिल गया था, मैं इस जगह पे कुछ भी करने के लिए नहीं बोलूँगा कि ये फूटा उटा ये सब, बट आपको वो ऊपर की तरफ एक ऐसा लाइन बनाना होगा, जो कि मैं इस लाइन्स को मैं एक बार सा इरेज कर देता हूँ। एक जब आपका परफेक्ट कुछ होगा, परफेक्ट ड्राइंग या परफेक्ट एक्यूरेट मेजरमेंट, परफेक्ट आउटलाइंस या परफेक्ट शेडिंग आपको खुद ही आपको को समझने को मिलेंगे कि हाँ यार मैंने बहुत अच्छे शेडिंग किया। और ये जो यहाँ पर ये दोनों साइड पे हमको शेडिंग करना है थोड़ा थोड़ा, बट इस पार्ट को और ब्लेंड करना है, और ब्लेंड करना है हाथ से ऐसे ऐसे डार्क डार्क सा वैल्यूज ऑप्ट करना है इस जगह पर, क्योंकि इस जगह ज़्यादा डार्क होता है, लेकिन जितना भी डार्क कर लो ये सब जगह, लेकिन ये मिड पार्ट पे आपका शेडिंग लाइट दिखनी चाहिए वो जो कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर मैं डार्क कर देता हूँ, अभी मैं प्रैक्टिकली बहुत लाइट शेडिंग करता हूँ, क्योंकि कि ज़्यादा डार्क कर देंगे तो उसको इरेज करना बहुत मुश्किल रहेगा। शेडिंग एक्चुअली लाइट ही करना मेरा पसंद है, डार्क ज़्यादा डेप्थ या और कुछ बात पे अलग बात है, लेकिन ये टाइप ऑफ ड्राइंग्स मेरे को कम ही डार्क करना पसंद है। साइडों पर भी ज़्यादा डार्क नहीं करने चाहिए, एक लिमिटेड डार्क है डार्कनेस है जो करना चाहिए। मैं यहाँ पर भी हल्के हल्के से शेडिंग कर देता हूँ, बाद में हम थोड़ा थोड़ा सा इरेज कर भी लेंगे, तो साइडों पर ज़्यादा डार्क शेडिंग करने का दरकार नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेयर बाय लेयर करके थोड़ा डार्क कर देने की दरकार है। उतना भी डार्क नहीं करने का कह रहा हूँ कि एकदम ब्लैक ब्लैक सा बना दो, जैसा मैं इस फोटोग्राफ पे हेयर्स लाइक बनाए वैसा मत करो। इन जगह पर उंगली से ब्लेंड करेंगे तो खराब हो जाएगा, ये फुल ड्राइंग तो खराब ही हो जाएगा, तो इसीलिए मैं यूज कर रहा हूँ ब्लेंडिंग स्टम्प। ये पेपर से बना हुआ है, होता है और बहुत ही काम आते हैं ये सब चीज़ों बनाने के लिए। और आप
अंदर के साइड भी थोड़ा ब्लेंडिंग कर दो, और जो इरेजर होता है उससे साइड का थोड़ा पार्ट इरेज कर दो, क्योंकि ये जो ग्रेफाइट है अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप ऑफ डेप्थ, फेफ्थ के लिए अलग अलग टाइप ऑफ शेडिंग करने पड़ते हैं, डार्कनेस को अलग अलग तरीके से मेजर करना पड़ता है, उसीलिए आप ये जो बाहर के टाइप्स ऑफ शेडिंग है उन जगहों पर एकदम भी मत करो। और मेरा जो मतलब ये थोड़ा साइड में आ रहा था, प्लीज डोंट माइंड एनीथिंग। और इन जगहों को भी मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ, तो आपको वीडियो में क्लियर सा दिख जाए। सॉरी गाइस, मेरा एकदम सभी वैसा कंफर्टेबल नहीं हो रहा था। ये एक्चुअली एकदम भी ठीक ठाक नाक नहीं है, मैं चाहूँ तो मैं और बेटर और टाइम लगा के ये तो मैं बहुत जल्दी जल्दी बनाया, फिर भी मैं इसको टाइम लगा के बहुत मेहनत करके टाइम लगा के ज़्यादा ज़्यादा मैं इससे बटर की मैं इससे ट्रिपल बटर ड्रॉ कर सकूँगा, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं थोड़ा डार्क डार्क कर दे रहा हूँ और ऐसा कर रहा हूँ कि इस जगह को हल्का सा इरेज करके ब्लेंड कर दे, ऐसा कर ही ब्लेंडिंग होता है, इरेज करके ब्लेंड लाइट एरियाज को मैं वैसे करके ब्लेंड करता हूँ। तो आप एक्चुअल रिजल्ट देख लो, अभी यह एक्चुअल रिजल्ट। मैं और एक बार इस फिर से डार्क कर देता हूँ, मैं थोड़ा पेपर को दूर रखता हूँ, मेरा हाथ है या मैं ऐसे ऐसे कैसे करूँ, इतना जगह भर कर ये कैमरा बैठा हुआ है। तो मैं थोड़ा हल्का हल्का सा आउटलाइन ब्लैक ब्यूटी से मैं जल्दी जल्दी हल्का डार्क वैल्यूज ऑप्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये जो वीडियो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं एक्चुअली ये करता हूँ रियल टाइम वीडियो, बिकॉज मैं तो इस पे एडिटिंग एकदम भी नहीं करता, क्योंकि एडिटिंग कर दूंगा तो ये मैं चाहूँ तो वॉइस ओवर भी कर सकता हूँ, एडिटिंग भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं वो नहीं करता हूँ, क्योंकि अभी अभी मैं तो चैनल शुरू किया हूँ, तो अभी वो सब चीज़ों का दरकार नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा टाइप ऑफ वीडियोस बनाता हूँ कि उसके अंदर एडिटिंग का कोई दरकार ही नहीं है, वैसा ही बोल सकता हूँ। ये जगह थोड़ा इरेज हो गया, मैं थोड़ा सा डार्क करके कर देता हूँ, थोड़ा इस जगह भी थोड़ा डार्क करके मैं कर देता हूँ। ये फाइनल रिजल्ट, ये तो मैं बहुत ही खराब बनाया हूँ, मैं चाहूँ तो बहुत टाइम लगा के बहुत मेहनत करके इससे डबल अच्छा बना सकता हूँ। ये फाइनल नाक, और कल मतलब टुमारो मैं और एक वीडियो कर दूंगा, वो है आइस के ऊपर। और तब तक के लिए बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।